इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी जिले से, जहां भाजपा पार्षद सहित क्षेत्रीय लोग सीवर समस्या को लेकर बैठे धरने पर। वाराणसी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में सोनिया स्थित गुजराती गली में क्षेत्रीय लोग व भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद पुनवासी गुप्ता धरने पर बैठ गए और चक्का जाम कर दिया। उनका कहना था कि यहां सीवर की समस्या पिछले कई वर्षों से आए दिन बनी रहती है और कई बार अधिकारियों को इसकी सूचना भी दी गई, परंतु समस्या का कोई निराकरण नहीं निकल पा रहा है। विधायक जी चले गए, हम सोचे कि कुछ कर लेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने कुछ किया नहीं। तो मैं मेयर साहब से कहा, मेयर साहब ने 12,60,000 रुपया जो है सीवर लाइन पास किया, फिर उसके बाद जो है काम लगा। इधर जो है पूर्णिया में और नई सड़क पे बंधना लगा हुआ है शाही नाला सफाई के लिए। जब शाही नाला का सफाई हम न बांध कर करते हैं, इसलिए यहाँ पानी कट नहीं रहा। अब इसके बाद जो है 1,00,000 रुपए का जो भारत सेवा आश्रम से जो है जो पाइप लाइन गहरी लाइन वाला आ रहा है, इसमें जुड़ेगा। ये समस्या कब तक से बनी है? ये कम से कम 1 महीने के अंदर हो गए। जब मैं जब आदमी इसके पहले भी ये समस्या थी, एक मौत भी हो गई थी। हम आप जानते हैं कि जब कोई कहीं से पैसा देगा तभी काम होना है। तो मेयर साहब ने पैसा दिया, काम लगा, पाइप चल गया, लेकिन चेंबर नहीं बन पा रहा है पानी की वजह से। जब पानी सूखेगा तभी बनेगा। इसलिए जो भारत सेवा आश्रम की तरफ से आ रहा है लाइन, इसमें मिलेगा तो पानी चला जाएगा, चेंबर बन जाएगा। कम से कम इसमें 15 दिन लगेगा। मैं 1 महीना इसलिए बता रहा हूँ, 1 महीना 15 दिन जल लगेगा, 15 दिन जल लगेगा।